हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज प्रज्वल सिंह और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में सॉल्युबिलिटी पर अध्ययन कर लिया था और आज हम देख रहे थे आपकी गैस की सॉल्युबिलिटी। जब हम किसी गैस को द्रव में घोलते हैं तो सॉल्युबिलिटी पर अलग अलग प्रभाव, विलेयता पर अलग अलग कारकों का प्रभाव क्या होता है, और हम पहुँचे थे आपका हेनरी का नियम क्या है। तो आज बच्चों हम डिस्कस करेंगे, टुडे आई विल डिस्कस अबाउट हेनरीज लॉ। तो व्हाट इज द हेनरीज लॉ, टुडे आई विल डिस्कस हियर। तो प्लीज फोकस हियर एंड व्हाट इज द हेनरी लॉ, टोटली आई विल डिस्कस। तो हेनरी का नियम क्या है बच्चों, जब आप दाब का अध्ययन करते हैं तो हेनरी का नियम क्या है बच्चों, आओ हम जाने। तो हेनरी ने क्या बताया कि जब किसी द्रव में कोई गैस घुलती है तो जो गैस घुली हुई है तो उसका जो बच्चों द्रव्यमान है, उस गैस उस द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो हेनरी ने बच्चों क्या बताया, जैसे कि हमने लिया एक कंटेनर ले लिया बच्चों, और इस कंटेनर में भरी हुई है लिक्विड आपकी, क्या भरी हुई बच्चों, लिक्विड भरी हुई है, और इस लिक्विड को हमने नाम क्या दिया, ए दे दिया। क्या नाम दिया बच्चों, ए नाम दे दिया। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, अब हम आपका ले रहे हैं आपका गैस, क्या ले रहे हैं बच्चों, गैस ले रहे हैं। सपोज करते हैं आपका यहाँ पर कोई गैस है बच्चों, और आपका जो गैस है उस गैस का नाम दे रहे हैं मुस्कुराते हुए, क्या करें बच्चों, आपकी बी गैस है, और यहाँ पर हमने इसे क्या कर दिया, यहाँ पर लगाया आपका हमने पिस्टन, यहाँ पर बच्चों हमने क्या लगाया आपका पिस्टन लगाया। क्या इतनी बातें आई, यहाँ पर हमने एक आपका द्रव लिया है, द्रव का नाम दिया है ए, और यहाँ पर हमने लिया एक गैस और गैस का नाम दिया है बी। तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ पर जो गैस की टक्करों की संख्या है, गैस के कणों की टक्करों की संख्या बच्चों क्या होगी, बढ़ेगी। और जब टक्करों की संख्या बच्चों बढ़ेगी तो आपकी सॉल्युबिलिटी द्रव में गैस की सॉल्युबिलिटी विलेयता क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप बताइए, अगर हमने प्रेशर को बढ़ाया, वैसे भी कुछ आपके पार्टिकल्स घुले होंगे, लेकिन जैसे जैसे बच्चों हम प्रेशर को बढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर की जो एरिया होगी वो एरिया जब कम होगी तो इन दोनों के बीच या इन सब के बीच कह सकते हैं बच्चों जो टक्कर होंगे वो टक्कर बच्चों क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और जब टक्कर होंगे, जब ज़्यादा होंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी कम होगी तो इनका कंडेंसेशन होगा, और ये आपके कहाँ पर आ जाएंगे, द्रव में आ जाएंगे। कहाँ पर आ जाएंगे बच्चों, आपके द्रव में आ जाएंगे। तो हेनरी ने बताया कि ये हम ताप को स्थिर कर दे, क्या कर दे बच्चों, ताप को स्थिर कर दे, कहने का मतलब स्थिर ताप पर अगर हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है बच्चों, बढ़ती है। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो द्रव की सतह पर लगने वाला प्रेशर, द्रव की सतह पर पड़ने वाला दाब, द्रव की सतह पर पड़ने वाला दाब द्रव में घुली हुई गैस के मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है। तो कहने का क्या मतलब निकला, तो हेनरी ने क्या बताया था, स्थिर ताप पर। तो सबसे पहले इनका जनरल आइडिया की क्या थी, इसके संबंध हम जान लेते हैं। तो इन्होंने बताया कि स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब, द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होती है, के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का ये निकला बच्चों कि यदि हमने गैस की मात्रा क्या मान लिया है, एम मान लिया है, यदि हमने गैस की मात्रा एम मान लिया है और सतह पर पड़ने वाला दाब क्या मान लिया बच्चों, हमने क्या मान लिया, तो पी, तो अतः तब क्या निकलेगा, अतः निकलेगा एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, या m इक्वल टू क्या होगा बच्चों, kp होगा।
तो ये जनरल एक्सप्रेशन था, इसे हम हेनरी लॉ मान सकते हैं। लेकिन अब हेनरी लॉ क्या है बच्चों, अब ओरिजिनलिटी में जो आपकी एनसीईआरटी में दी हुई है उसको आओ हम समझें। तो हेनरी ने क्या बताया था, तो हेनरी ने कहा स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई गैस की मोल प्रभास, गैस की मोल प्रभास मोल फ्रैक्शन द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। तो हेनरी का नियम, इसे आप स्टार पॉइंट बनाइएगा, स्टार पॉइंट बहुत सारे तारे हैं बच्चों आपके पास, तो मतलब आपकी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं और पूछेगा हेनरी का नियम क्या है और हेनरी के नियम की सीमाएं क्या है। तो हेनरी ने क्या बताया बच्चों, स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर द्रव में, स्थिर ताप पर द्रव में घुली हुई, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा, द्रव में घुली हुई गैस की मात्रा द्रव की सतह पर, सॉरी यहाँ पर गैस की मात्रा नहीं होगी, गैस की, गैस का मोल प्रभाज बच्चों, गैस का मोल प्रभाज, गैस का मोल प्रभाज द्रव की सतह पर, द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब, द्रव की सतह पर पड़ने वाले दाब के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है बच्चों। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती होती है। तो मतलब क्या निकल आता है, क्या निकल क्या है बच्चों, कि जो आपका दाब होगा, आंशिक प्रेशर होगा बच्चों, वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, वह अनुक्रमानुपाती होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, काई के। तो या P इक्वल टू बच्चों एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो आता है KH और क्या आता है बच्चों, X आता है। यही क्या है आपके हेनरी का नियम है। और ये हेनरी के नियम की क्या है, व्यंजक है बच्चों। और व्यंजक पता है आपको क्या रखने की, याद रखने की जरूरत है। जहां पर बच्चों यदि हम बात करें, जहां यस क्या है बच्चों, मोल प्रभाज है, क्या बच्चों, मोल प्रभाज है, और KH क्या है बच्चों, आपका हेनरी कांस्टेंट है, हेनरी स्थिरांक है। और अलग अलग गैसों के लिए बच्चों हेनरी स्थिरांक का मान क्या होता है, अलग अलग होता है। और P क्या है, सतह पर पड़ने वाला दाब है, सतह पर पड़ने वाला दाब है, सतह पर पड़ने वाला दाब है। तो ये चीज़ें बच्चों आपको ख्याल करने की ज़रूरत है। अगर आप इसके लिए ग्राफ ड्रा करें, अगर इसके लिए बच्चों आप ग्राफ ड्रा करें, तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे और इसको हम सीख लें। यदि बच्चों हम यहाँ पर ग्राफ ड्रा करें, तो y बराबर क्या है, एम एक्स है। y बराबर क्या है बच्चों आपका, ये एम एक्स इक्वेशन, हमें इसे मान लिया एक, इसे मान लिया बच्चों आपका दो। तो आपका हमने x एक्सिस एक मान लिया बच्चों, ये आपको क्या है x एक्सिस है, और ये क्या है बच्चों y एक्सिस है। आपको पता है कि यहाँ पर y बराबर एम एक्स, तो y बराबर एम एक्स आपके मूल बिंदु से रेखा होकर जाती है। तो ये भी आपका p बराबर के एच इंटू एक्स भी कहाँ से होकर जाएगी, मूल बिंदु से होकर जाएगी। अच्छा ये बच्चों बताइए कि आपका एक पर हमने क्या ले लिया, x मान लिया, और एक पर क्या मान लिया आपका बच्चों, p मान लिया। तो आपका KH क्या है, KH क्या है बच्चों, आपका ढाल है। तो ढाल यहाँ पर क्या होगी बच्चों, KH होगी। तो क्या इतनी बातें आपको समझ में आई। तो ये हम प्रीवियस लेक्चर बच्चों यहाँ तक तो डिस्कस कर लिए थे, और यहाँ पर हमने बच्चों आपको ये रिकॉल करा दिया कि क्या है आपका हेनरी लॉ। तो यदि हम बात करें हेनरी लॉ की सीमाओं के बारे में, कि हेनरी लॉ की सीमाएं क्या है, तो देखिए कुछ चीजें और बच्चों, जैसे कि आपने कोको कोला पिया होगा, आपने कोको कोला पिया होगा या सोडा वाटर पिया होगा, तो सोडा वाटर में बच्चों जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 भरी जाती है, वह आपका उच्च दाब पर और आपका बच्चों निम्न ताप पर भरी जाती है। और आपने सुना होगा कि जो आपके पर्वतारोही हैं, जब वो पर्वत पर चढ़ाई करते हैं, तो जहाँ पर आपका दाब बच्चों कम होता है, तब वहाँ पर वो बहुत ही परेशानी का अनुभव करते हैं, और उनमें एक बीमारी देखने को मिलती है जिसको हम एनाक्सिया कहते हैं। तो बच्चों यह क्या होती है, क्योंकि जब आपका प्रेशर बढ़ा, तो हमारे द्रव में जो घुली हुई ऑक्सीजन है बच्चों,
वो उसकी मात्रा कम होने लगती है। अब जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है तो बच्चों हमें क्या होने लगती है, परेशानी होने लगती है, इसलिए हमने साथ एक ऑक्सीजन की बाटल भी लिए होते हैं। तो ठीक है, ये बातें आपको बच्चों जानने की ज़रूरत है। और यदि हम बात करें हिंदी किला की सीमाएं क्या है, तो आओ इसे हम देखें और यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बने। सबसे पहली बात बच्चों विलियन बहुत तो सबसे पहली बात हिंदी के नियम की सीमाओं की बात करें तो आप चार सीमा याद रखिएगा कि विलयन आपका तनु होना चाहिए और आपका दाब बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, आपकी ताप भी बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और आपकी जो गैस है वह आपके द्रव से क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो क्या निकला चार नियम, तो सबसे पहले आपका विलयन तनु होना चाहिए, तो मतलब कहने का निकला कि जो आपका हेनरी ला है तन विलयनों पर लागू होना होता है। हेनरी ला किस पर लागू होता है, तन विलयनों पर लागू होता है, तो विलयन तन होना चाहिए। और दूसरा ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए बच्चों, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। और बच्चों क्या है, ताप बहुत अधिक नहीं होना चाहिए और अगला ताप बहुत अधिक न हो और विलयन आपका तन हो और दाब बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। यह आप कह सकते दाब बहुत कम या चलो ज़्यादा भी लिखते दाब बहुत कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अगला क्या है बच्चों, ये फोर्थ पॉइंट की बात करें तो गैस द्रव से गैस द्रव से क्रिया नहीं करनी चाहिए। तो इतने नियम आपको बच्चों याद रखने की ज़रूरत है। और हिंदी के नियम की सीमाएं क्या है, तो यू हैव टू हियर लर्न इट, अदरवाइज इन योर एग्जामिनेशन इन योर क्वेश्चन पेपर दिस क्वेश्चन आज यू, तो आप उत्तर क्या लिखेंगे। तो बच्चों इसलिए आप इसकी सीमाएं को याद रखिए। अब इन पर हम आपका बच्चों देखेंगे क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल देखेंगे क्योंकि हिंदी के नियम से आपके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले कुछ चीजें बच्चों हम आपको बता दें, आप कहीं कहीं पर देखते हैं आपका प्रेशर में क्या लिखा होता है बच्चों, MmHg। तो ये MM का क्या मतलब क्या होता है बच्चों, यम का मतलब होता है MM का मिली लीटर होता है बच्चों, मिली लीटर। और Hg का मतलब होता है बच्चों मरकरी, MRCURY मरकरी होता है बच्चों। और 1 MmHg इक्वल टू क्या होता है बच्चों, 1 MmHg इक्वल टू क्या होता है 133.32 पास्कल होता है बच्चों। तो ये बच्चों आप याद रखिएगा, ये बच्चों आप याद रखिएगा। तो आओ इस पर हम क्वेश्चन करते बच्चों। अब हम आपका देखिए दो क्वेश्चन हिंदी ला पर है, आओ इसको हम देखें। तो सबसे पहले बच्चों आपको ध्यान देने की बात है कि यहाँ पे 6.56 × 10^-2 ग्राम एथेन वाले एक विलयन का दाब कितना है बच्चों, 1 bar है। तो कहने का क्या मतलब निकला कि जो आपका सॉल्यूशन बच्चों देखिए कि जो एथेन का द्रव्यमान है बच्चों, तो Mc2H6 क्या बच्चों 6.56 × 10^-2 है और इसका जो बच्चों आंशिक दाब है वो कितना बच्चों 1 bar है। क्या इतनी बातें समझ में आई आपको, क्या इतनी बातें समझ में आई। तो पूछा क्या बच्चों, यदि विलयन में 5.5 ग्राम एथेन उपस्थित हो, तो एक विलयन की बात कर लिया बच्चों, दूसरी कंडीशन कर दिया, ये केस हम फर्स्ट दे देते हैं आपका, ये केस आपका फर्स्ट कर देते हैं बच्चों। दूसरा केस कह रहे हैं कि यदि विलयन में जो आपका एथेन है C2H6 कितना बच्चों 5.5 × 10^-2 ग्राम है, यही बच्चों ग्राम ही है, ये ध्यान दीजिए ये भी आपको ग्राम ही है।
तो पूछे हैं तो गैस का आंशिक दाब बताइए, तो पी इक्वल टू पूछ ले वाट। क्या बच्चों अभी आपने पढ़ा था एक फार्मूला, यम इक्वल टू क्या होता है बच्चों, के इंटू क्या होता है बच्चों, पी होता है। क्या ये फार्मूला आपने पढ़ा? तो अच्छा ये बताइए बच्चों कि दोनों के लिए एथेन का मान के का मान दोनों के लिए बराबर ही होगा, तो मतलब क्या क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया यम अपान पी इक्वल टू क्या बच्चों, के निकल के आया। क्या इतनी बातें समझ में आई? तो यहाँ पर बच्चों क्या निकल के आया, यम बाई पी इक्वल टू के। अगर दोनों गैसों की यदि हम दोनों ले लें आपका, तो इसके लिए बच्चों क्या होगा, यम सी टू एस सिक्स, सी टू एस सिक्स यहाँ पर लिख रहे बच्चों आप फर्स्ट, और बटे पी, पी किसका है बच्चों, प्रेशर जो है सी टू एस सिक्स का, ये फर्स्ट कंडीशन है बच्चों, सी टू एस सिक्स यहाँ बच्चों ने फर्स्ट कंडीशन लिख दिया आपका, ठीक है। इक्वल टू बच्चों क्या आपका के, और इसके लिए भी रखिए बच्चों इक्वेशन में से हम एक मान लिए, और यहाँ पर हमने लिखा बच्चों पी एम सी टू एस सिक्स कंडीशन में बच्चों सेकेंड का दे रहे हैं, और इसका बच्चों क्या कह दे रहे हैं कि पी पी सी टू एस सिक्स कंडीशन में बच्चों को क्या दे सेकेंड इक्वल टू क्या बच्चों के, इक्वेशन नंबर दो। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की तुलना करेंगे तो आप क्या पाएंगे बच्चों, क्या पाएंगे आप, तो आप पाएंगे कि एम सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर फर्स्ट अपान पी सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर बच्चों फर्स्ट, ये बराबर क्या के से के बच्चों कैंसिल हो जाएगा, इक्वल टू क्या आ गया बच्चों एम सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर सेकेंड, एंड आका बच्चों पी सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर सेकेंड। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई? अगर इतनी बातें समझ में आई बच्चों तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, तो ये क्या है बच्चों, एथेन का द्रव्यमान है कितना है 6.56 - 2 है, और ये पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन इतना है, तो क्या दोनों बातें आपको पहली कंडीशन में पता है, दूसरी कंडीशन में पता, पहली कंडीशन में ये पता है और ये आपकी दूसरी कंडीशन में चाहिए, तो आप उसे भेज दीजिए यहाँ पर, यहाँ पर हम भेज दिया और इसको यहाँ पर भेज दिया, तो आपको क्या आ जाएगा बच्चों पी सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर बच्चों सेकेंड इक्वल टू एम सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर सेकेंड इंटू पी सी टू एच फाइव कंडीशन नंबर फर्स्ट, और बच्चों आपको क्या आ गया, और ये नीचे आ गया बच्चों तो एम सी टू एस सिक्स कंडीशन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों आप यहाँ पर वैल्यू रखिए, तो वैल्यू रखेंगे तो क्या पाएंगे, यहाँ आप देखिए वैल्यू आपका रख रहे हैं, तो वैल्यू क्या पाएंगे आप, तो कंडीशन नंबर सेकेंड में जो एथेन का द्रव्यमान क्या है 5 × 10⁻²⁺ है, और गुणे बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए बच्चों कि आपका जो प्रेशर है कितना है 1 है, तो 1 रखिए, बटे बच्चों आपका ये कितना है 6.56 × 10⁻²⁺, तो 10⁻²⁺ से 10⁻²⁺ कैंसिल हो गया, तो बचा क्या बच्चों, यहाँ पर देखिए हम लगा देते हैं आपको क्वेश्चन, तो 5/6.56 बच्चों ये आ गया, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो देखिए दशमलव के बाद दो अंक है बच्चों, तो आप दशमलव लगाए और आपको मैंने 0-0 बढ़ा दिया, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 500/656, 500/656 आप इसे सॉल्व करेंगे बच्चों तो क्या आएगा, देखिए आपका ये यहाँ पर तो जा नहीं रहा बच्चों, तो एक जीरो लेंगे और एक जीरो लेंगे तो यहाँ पर क्या हो गया आपको 5000 हो गया, और 5000 में लगभग आप 650 से भाग देंगे तो 6×5=30, 6×36=42, तो लगभग बच्चों आपका 0.7 bar आपका जाएगा, तो ये है बच्चों आपका सॉल्यूशन, तो ये है बच्चों आपका सॉल्यूशन, तो 0.7 अगर एक बार और ले गया बच्चों तो आपका कितना बचा, आपका लगभग 6 bar और जाएगा बच्चों, तो 0.76 bar आ गया बच्चों, तो ये है आपके पहले क्वेश्चन का उत्तर, तो इसे ध्यान से लगाइएगा बच्चों, इसमें है कुछ भी नहीं और आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं और 3 number आपको दे देते हैं, लेकिन हम न्यूमेरिकल तो पढ़ते नहीं क्योंकि हमें न्यूमेरिकल फोकस ही नहीं करते और हमें न्यूमेरिकल कोई समझाता भी नहीं,
अगर हम न्यूमेरिकल नहीं पढ़ेंगे तो अब यूपी बोर्ड है बाबू, तो आपके 5 चैप्टर जो फिजिकल केमिस्ट्री के हैं, भौतिक रसायन के हैं, यहाँ से आपके पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल और कुछ आपके लाभ। तो ये लाभ फिक्स होते हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आने वाले ही हैं। तो थोड़ा मुस्कुराइए और ला याद आज कर जाइए। तो दूसरा क्वेश्चन बच्चों आओ देखिए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा बच्चों, ऑक्सीजन मिश्रित जल के लिए 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर हेनरी स्थिरांक मान कितना है बच्चों? इतना है। तो मतलब के एच का मान जो दे दिया बच्चों कितना दे दिया, 4.34 अगुणे 10^-4 वायुमंडल दे दिया, इतना वायुमंडल दे दिया। और आपको पता है बच्चों एक वायुमंडल बराबर कितना होता है, 101.325 केजी पास्कल होता है बच्चों। तो ठीक है, ये जानते रहिए आप। तो के एच का मान आपको पता है, यदि सामान्य वातावरणीय दशाओं में वायु में ऑक्सीजन का आंशिक दाब, तो बच्चों आपका आंशिक दाब दे दिया 0.2 वायुमंडल। तो जल में विलीन ऑक्सीजन गैस की सांद्रता की गणना कीजिए, तो सांद्रता की गणना पूछ लिया बच्चों की गैस की कितनी सांद्रता होगी, तो आपका पूछ लिया XO2 इक्वल टू व्हाट। तो आपको फार्मूला पता है बच्चों कि सूत्र क्या होता है, तो सूत्र आप पढ़ रखे हैं, सूत्र क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका P इक्वल टू क्या होता है, KH इंटू क्या होता है बच्चों, X होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। तो आपको P पता है, KH पता है, X पता है नहीं पता है। तो यहाँ पर देखिए आप रखिए P इक्वल टू KH। अच्छा ये बताइए, अगर बच्चों X की बात करें तो आप में कौन कौन सी गैस दिख रही है, तो यहाँ पर बच्चों आपकी जल है और बच्चों आपकी ऑक्सीजन है। तो अगर हम बात करें X की बच्चों, यहाँ पर देखिए आप, तो X आपको यहाँ से क्या आएगा, X आप इसकी O2 की बात करें बच्चों, तो X NO2 विलेय की मोल NO2 बटे कुल मोल, तो NO2 प्लस NH2O। तो अच्छा ये बताइए बच्चों, जल में जो ऑक्सीजन की घुली मात्रा बहुत कम होती है, क्यों कम होती है, क्योंकि ये ऑक्सीजन बच्चों क्या होता है आपका, ध्रुवीय होता है। क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय होता है, और ये सॉरी ये आपका अध्रुवीय होता है, और ये आपका जल जो बच्चों आपका क्या होता है, अध्रुवीय होता है। अध्रुवीय अध्रुवीय में क्या होते हैं, कम विलेय होते हैं, ना के बराबर विलेय होते हैं। तो आप NO2 को हटा सकते हैं, तो आपका क्या आया, NO2 बट अपान NH2O, क्योंकि इसके सापेक्ष इसकी मात्रा बहुत कम है, इसे नगण्य मान सकते हैं। तो आपका क्या आया आपके सामने बच्चों, तो KH इक्वल टू क्या आ गया, NO2 बटे NH2O बच्चों। तो आपको क्या निकालनी है, आपको निकालनी है घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा। तो कैसे, तो ठीक है बच्चों, ये आपको यहाँ तक हो गया। तो हमें पूछा क्या है बच्चों, तो हमें पूछा है घुली हुई ऑक्सीजन गैस की मात्रा बताइए। तो सॉरी यहाँ पर हमने आपका एक गलती कर रखा है, तो NO2 होना चाहिए बच्चों, यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका, NO2, क्योंकि आपकी मात्रा पूछा है, सांद्रता पूछा है NO2 की। तो ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, NO2 पूछा है, तो ये रहा आपका फार्मूला। तो NO2 पता ही आपको, तो एक जल की मोलरता क्या होती है बच्चों, क्योंकि जल की मोलरता क्या होती है, तो जल की मोलरता बच्चों क्या होती है, जल की मोलरता, तो मोलरता क्या होती है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा। तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय की मात्रा उसकी क्या कहलाती है बच्चों, मोलरता कहलाती है। तो 1 लीटर विलयन में कितने मिलीलीटर होते हैं बच्चों, 1000 मिलीलीटर होते हैं, और कितने ग्राम होते हैं यदि जल की बात करें बच्चों, तो 1000 ग्राम होते हैं। तो जो विलेय की मात्रा बच्चों 1000 है, और बटे बच्चों 18, तो आपके कितने निकलेंगे, 55.55 लगभग आपका बच्चों आएगा। तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर यहाँ पर, तो ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, तो आपकी जो आई जल की मोलरता मतलब 55.55 आ गई। तो या तो बच्चों आप इसे हम कह सकते हैं जल
के मोल, क्योंकि विलय का भार है और विलय का क्या है मोल द्रव्यमान है, तो जो मोल आया बच्चों 1000 बटे कितना है 18, तो 55.55 आपके क्या होंगे विलय के मोल भी होंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, तो यहाँ पर आप देखिए तो KH इक्वल टू क्या आया, इतना चीज़ें आ गई। तो P का मान आपको पता है, P का मान क्या पता है बच्चों 0.2, तो 0.2 रखिए आप। KH का मान पता है क्या 4.34, और आपको बच्चों बस NO2 नहीं पता, जबकि आपको NH2O पता है क्या था 55.55। तो इसे बच्चों आप यहाँ पर भेजिएगा, और ये बच्चों आपको क्या मल्टीप्लाई में है तो नीचे जाएगा, मतलब क्या आया 0.2 × 5.55 अपान बच्चों 4.34 इक्वल टू NO2। तो इसे आप बच्चों आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, और इससे बच्चों कुछ है नहीं, केवल मल्टीप्लाई करनी है आपको और मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना है। तो ठीक है बच्चों, यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और जो भी डाउट्स बचे अगले वीडियो में आप जरूर पूछिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड बाय एवरीवन।